नेक्स्ट टॉपिक है एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन कार्टिजन कोऑर्डिनेट्स भी। अभी कार्टिजन कोऑर्डिनेट क्या होते हैं भी? ग्राफ से ही होते हैं, लेकिन होते क्या हैं भी? देखिए आप लोगों ने ग्राफ बनाए होंगे अभी, बनाए हैं कि नहीं बनाए? हमने बनाते हैं कोई पॉइंट पी है, लिखते हैं एक्स इंटू वाई, सुना होगा ऐसा कुछ लिखते हुए, या फिर ऐसे लिखते हुए सुना होगा कि पी पॉइंट है, ये 1 2 है या 2 3 है, कुछ भी वैल्यू सुनी होगी। इसका मतलब है कि एक्स में कितना है ये 2 है और वाई में कितना है 3 है, समझ में आता है? ये भी वही है, ये एक्स में भी है भाई और ये वाई में भी है, यस और नो? ये मीनिंग है इस चीज़ का। ये यहाँ पे देखिए पी का सिर्फ ये बताने के लिए है कि एक्स में भी है कि वाई में भी है, और ये बताने के लिए यहाँ पे है कि वैल्यू भी है इसकी। ये होते हैं कार्टिजन कोऑर्डिनेट्स भी, और ये होते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स भी। दो कोऑर्डिनेट होते हैं। कार्टिजन कोऑर्डिनेट कौन से होते हैं? किसी वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म ऑफ एक्स एंड वाई, यस और नो? और उनकी वैल्यू हो तो वो क्या बनते हैं? पोलर कोऑर्डिनेट्स बनते हैं। तो दोनों में आंसर करने हैं हमको, कार्टिजन में भी करना है और पोलर में भी करना। नेक्स्ट टॉपिक पोलर का है, ये किसका है? कार्टिजन कोऑर्डिनेट्स का। नहीं, टॉर्क का आंसर लेके आना है किस टर्म में भाई? एक्स और वाई की टर्म में। समझ में आई बात है? यस सर ना? इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 3 नंबर के लिए, अभी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया। अभी डब कर दें तुमको, हमको क्या करना है? हमें टॉर्क निकालना है किस टर्म में भाई? एक्स और वाई की टर्म में। टॉर्क कब आएगा? जब आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाओगे करना, तो घूमेगी तभी टॉर्क आ सकता है। तो हमारे पास एक सिस्टम है भाई, एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, एक्स और वाई, और यहाँ पे कोई पार्टिकल्स है भाई, इट गिव द पोजिशन वैक्टर भी। ये किसका है? पोजिशन वैक्टर आर है भाई इसका। ये पॉइंट बताने के लिए पॉइंट कहाँ पे है, इट इज पोजिशन वैक्टर आर, और इस पर मैंने एक फोर्स लगाया भी किसी भी एंगल के ऊपर, जरूरी नहीं 90 पर लगाऊँ, कोई भी एंगल हो सकता है, इट इज फोर्स एफ, ठीक है? और ये पार्टिकल घूम के कहाँ पहुँच गया? यहाँ पे आ गया, घूम रहा है, रोटेट कर रहा है। ये पॉइंट कौन सा? बी पॉइंट मान लेते हैं। पॉइंट कौन सा है? ए पॉइंट। इसका कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा, ये कितने मान लेते हैं? इट इज आर प्लस डी आर भी, पता नहीं कितना है अभी, कुछ तो चेंज हुआ होगा, ना भी हो जरूरी थोड़ी है, हम तो मानते हैं कि चेंज हुआ, ना हो तो क्या कर देंगे? जीरो कर देंगे इसको, यस और नो? तो पार्टिकल घूम के कहाँ पे आ गया? इस पॉइंट के ऊपर फोर्स लगाया। अब लगे आप लोगों कि इस फोर्स से घूमेगा कैसे? इसे मैंने फोर्स किसी डायरेक्शन में लगाया भाई, कुछ भी हो सकता है, जो थोड़ी मैं जो मान रहा हूँ वही फोर्स हो, फोर्स ऐसे हो सकता है, फोर्स ऐसे हो सकता है, कैसे भी हो सकता है फोर्स। मैंने फोर्स लगाया घूम गया तो कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा, यस और नो? हम हमेशा चीज़ें लेते हैं आसान चीज़ें, लेकिन चलते भाई कि जीरो फोर्स लगा दिया, 90 पे लगा दिया तो आसान है बिल्कुल, कोई और एंगल तो हो सकता है भाई इसके अलावा, ये थोड़ी एंगल दो मेरे पास, 0 90 थोड़ी है, बीच के भी कोई हो जाए तो क्या करें, वही क्वेश्चन है अभी। ये तो हो गए सिंपल है, 0 पे मिनिमम होगा, 90 पे क्या होगा? मैक्सिमम होगा, बीच का हो तो भाई कोई वही चेक करना आपको। ये एंगल थीटा मान लेते हैं भाई, कितना एंगल था पहले? ये थीटा, अब कुछ घूम गया होगा, एंगल भी स्मॉल हो गया होगा भाई, कुछ तो घुमा है एंगल ये, इट इज डी थीटा, कितना घुमा ये? डी थीटा। और ये कैसे घुमा है? ये बी से ए की तरफ गए हम लोग, यस और नो? इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी। क्या बोलते हैं इसको? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो आपको पूरे टॉर्क को रिप्रेजेंट करना है इन टर्म ऑफ एक्स एंड वाई भी, ओके? डायग्राम बनाएगा, वी हैव ए पार्टिकल ऑफ मास एम एट पॉइंट ए। ए पे कोई पार्टिकल है, इसका मास कितना है? एम मान लेते हैं, कर लोगे? वी अप्लाइड ए फोर्स, वी अप्लाइड ए फोर्स एफ ऑन द पार्टिकल, वी अप्लाइड ए फोर्स ऑन द पार्टिकल एंड इट रोटेट, वी अप्लाइड ए फोर्स ऑन द पार्टिकल एंड इट रोटेट एंड रीच टू पॉइंट बी, एंड रीच टू पॉइंट बी, कहाँ पहुँच गया? रीच टू पॉइंट ए बी, ये सर नो? ए पे था, बी पे पहुंच गया भाई घूम के, कर लोगे? तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओ ए? ओ ए की वैल्यू कितनी थी क्लास पहले? ये आर थी भी, इट इज पोजिशन वैक्टर ऑफ ए पॉइंट। व्हाट इज द पोजिशन ऑफ वैक्टर ऑफ बी? ओ बी इज इक्वल टू कितना आएगा? आर प्लस डी आर भी,
आर प्लस डी आर, कुछ तो वैल्यू हो सकती है, बराबर ही हो, दिक्कत नहीं मेरे को इस चीज़ की, हम आसान लेकर नहीं चल रहे, बराबर लेकर तो सिंपल हो जाएगा टॉपिक बिल्कुल, कुछ बढ़ा के लेकर रहे हैं, हो सकता है बढ़ जाए वैल्यू भाई, घट भी सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे। अब क्वेश्चन ये है कि जब ए से बी गया तो कितना चला होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी, क्या आप ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन यूज कर सकते हो इस डायग्राम के लिए, ये वेक्टर है भाई, एक वेक्टर ये है कि ये सेम ऑर्डर में है, ऑर्डर क्या होता है, जब एक वेक्टर का टेल दूसरे वेक्टर के हेड पर स्ट्राइक कर रहा हूँ तो किस में हो, सेम ऑर्डर में, इसका टेल स्ट्राइक कर रहा है इसके हेड के ऊपर तो ये किस में है, दोनों सेम ऑर्डर में, और ये हेड हेड स्ट्राइक कर रहे हैं तो ये क्या इनका रिजल्टेंट हो सकता है, इट इज इन द अपोजिट ऑर्डर भी, यस और नो, ये पॉइंट ओ मान लेते हैं, लिख लीजिए इन द ट्रायंगल, इन द ट्रायंगल ओ ए बी, इन द ट्रायंगल ओ ए बी, अब इस ट्रायंगल के अंदर कौन है रिजल्टेंट, ओ बी इज रिजल्टेंट वेक्टर, क्यों, क्योंकि अपोजिट ऑर्डर में है भाई, पता होता है इस बात का, किसके बराबर है, ओ ए प्लस ए बी, यस और नो, अब लिखते हैं आर इज इक्वल टू ए प्लस बी वेक्टर, इन ट्रायंगल्स लाओ वेक्टर एडिशंस, यस और नो, मेरे को निकालना है क्या है, मेरे को ए बी चाहिए ना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी, निकाल लो, ए बी इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए, यस और नो, ए बी इस तरफ ले आते हैं माइनस का आ जाएगा, पुटिंग द वैल्यूज ए बी इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओ बी क्लास, आर प्लस डी आर, यस और नो, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओ ए, आर है तो माइनस आर आएगा, सही है कि नहीं है, आर से आर काट दें तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी, इट इज डी आर बी, कितनी वैल्यू है ये, डी आर, ए टू बी फ्रॉम ए टू बी जब हम चले होंगे तो कितना वर्क किया हम लोगों ने, देखो डिस्टेंस छोटी है तो वर्क भी छोटा मान लेते हैं, नहीं पूरा मान लो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, बुक में तो छोटा यूज कर रखा है इन्होंने, तो डी डब्ल्यू मान लो उसको भी, तो कितना आएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट भी, क्योंकि सब कुछ वेक्टर में लिख रहे हैं हम लोग भी, डॉट में आता है वर्क एफ एस कॉस थीटा, याद है कि नहीं है, तो डॉट में आएगा, बेस और नो, तो अभी मेरे पास ये दो चीज़ें हैं भाई, फोर्स है और डी आर है, अब तो कुछ निकलना नहीं है कि टॉर्क क्या होता है, हम तो वही चीज़ पढ़ रहे हैं जो मैंने पढ़ने पढ़ा रखी है हम लोगों को, अब नए टॉपिक तो क्या हमारा टॉर्क है ना, इसमें तो कुछ देखा ही नहीं हम लोगों ने क्या हो रहा है, क्या हमको फोर्स के बारे में पता है, फोर्स क्या होता है, हमने फोर्स ऐसे लगाया अभी, क्या फोर्स को रिजोल्व कर सकते हो कंपोनेंट की टर्म में, करने आते होंगे, इस तरफ कौन सा फोर्स आएगा अभी, ये पॉइंट ए मान लेते हैं, इस तरफ एक्स की तरफ भी, क्योंकि कुछ एंगल नहीं है, कुछ भी एंगल नहीं है, तो एफ एक्स भी, एंगल हो तो लिखूंगा ना कोस थीटा, एंगल कहाँ बना रखे मैंने, एंगल तो कुछ बनाया नहीं अभी तक, तो यहां पे कितना आएगा, एफ वाई, यस और नो, अगर आपको याद हो हमने किसी आर को ऐसे लिखा वेक्टर में भी बार एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के भी, इसको बोलते हैं कि आर की वैल्यू एक्स में भी थी वाई में भी थी और जेड में भी थी, वैल्यू है ये, तो एफ एक्स की वैल्यू किस में है, एक्स में है इसकी, एफ की वैल्यू एफ एक्स, वाई में एफ वाई, ठीक है, क्या एफ को आप इस तरह से लिख सकते हो, एफ को भी कैसे लिखोगे, एफ वैक्टर इज इक्वल टू एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे, सही लिखा है मैंने, यस और नो, अरे बता दो यार, हो गया, बेरा नहीं बाकी की कर रहे हैं ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्या आप आर को लिख सकते हो, क्योंकि आर तो नहीं यहाँ पे, डी आर अभी, व्हाट इज आर भाई, आर क्या है ये रहा, इसका एक्स में वैल्यू है एक्स, वाई में कितना है वाई, आर को लिखते हैं ना ये एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर भाई, एक्स आई प्लस वाई जे, यस और नो, दो ही ले रहे हैं तो दो ही लिखोगे, तीन ना तीन लिखोगे,
या तो समझ में आ रहा है, प्रॉब्लम क्या है मेरा, तो डी आर है यहाँ पे भी, आर तो नहीं है, क्या है, डी आर है। क्या इसका डेरिवेटिव कर दूँ भाई इक्वेशन का डी लाने के लिए, सही है, लेकिन किसी के रिस्पेक्ट में करना है हमको चाहिए नहीं हो, तो हमको सिर्फ डी आर चाहिए भी। तो सिंपल लिख लीजिए डेरिवेटिव ऑफ दिस इक्वेशन, डिफ्रेंशिएट दिस इक्वेशन, किसके रिस्पेक्ट में करना मैंने बताया नहीं है, तो कौन सा डेरिवेटिव कर रहा हूँ मैं, पार्शियल डेरिवेटिव कर रहा हूँ, सही है, डिफ्रेंशिएट दिस इक्वेशन भी। तो कितना आंसर होगा क्लास, डी आर इज इक्वल टू डी एक्स होगा फिर ये प्लस डी वाई। जब ये बोलते हैं ना आप लोग पार्शियल डेरिवेटिव करना है, तो कौन कॉन्स्टेंट कौन वेरिएबल, मेरे को पता चला, मेरे को सारे मेरे लिए क्या बन जाते हैं, वेरिएबल बन जाते हैं, कर लोगे। हम बोल दूँ डिफ्रेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई तो क्या होगा इसके लिए, कॉन्स्टेंट हो गया भाई, एक्स में बदलने से वाई पे फर्क पड़ेगा कुछ नहीं पड़ेगा, इट इज कॉन्स्टेंट। मैं बोल दूँ डेरिवेटिव दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो एक्स क्या बन गया, कॉन्स्टेंट बन गया। मैं बोल दूँ डेरिवेटिव दिस इक्वेशन, पता नहीं एक्स कॉन्स्टेंट की वेरिएबल है, वाई कॉन्स्टेंट है, दोनों ही क्या मेरे लिए फिर वेरिएबल, कर लोगे। तो डी आर इज इक्वल टू डी एक्स आई प्लस डी वाई जे, इसमें पुट कर दूँ वैल्यू, फर्स्ट इक्वेशन पुट इन द फर्स्ट इक्वेशन भी, कितना वैल्यू होगा फर्स्ट में, एफ का वैल्यू कितना भी क्लस, एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे, सही है, डॉट डी एक्स आई प्लस डी वाई जे, सही लिखा है, डी एक्स आई प्लस डी वाई जे, एनी प्रॉब्लम भाई, यस सर नो, क्या डॉट करना आता है। अब एनी टू वेक्टर्स, आपको पता होना चाहिए कि आई डॉट आई, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, ये वन होते हैं, कर लोगे, आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, ये जीरो होते हैं, क्यों, इनके बीच में 90 डिग्री एंगल होता है, अभी 90 cos 90 क्या हो जाता है, जीरो, तो गुणा करके देखो, देखो इनको छोड़ के आई डॉट आई जे डॉट जे सारे जीरो हो जाएंगे भी, यस सर नो, गुणा करनी आती है कि नहीं आती, पहले इसकी गुणा करो इस पूरे के साथ, क्या बनेगा, एफ एक्स डी एक्स आई डॉट आई, इसके साथ करोगे तो एफ एफ वाई डी एक्स जे डॉट आई, जीरो हो गया, जीरो, इसका करो गुणा इसके साथ, एफ एक्स डी वाई आई डॉट जे, जीरो हो गया, इसके साथ करो एफ वाई डी वाई जे डॉट जे, वन हो गया, यस और नो। तो क्या आंसर आएगा क्लास, इसके साथ करें तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई, यस और नो, बाकी जीरो, करनी आती है कि नहीं आती को ना, लग नहीं रहा मेरे को, आ रही है, यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, देखो पूरा टॉपिक किसमें डालना है, एक्स और वाई में डालना है मेरे को ये टॉपिक, ठीक है। अब मेरे पास वैल्यू होगी भी किसकी, एफ की एक्स में भी और वाई में भी, डी एक्स की वैल्यू एफ में भी और वाई में भी, अभी तक टॉर्क नहीं आया, अभी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मेरे को चाहिए क्या, मेरे को टॉर्क चाहना लेके आना है, तो पहले हम पढ़ चुके हैं सारी चीज़ें, मेरे को नया थोड़ी है, अभी हम को क्या चाहिए, डी एक्स कैसे लिखें या डी वाई कैसे लिखें, अभी रब करते डायग्राम दोबारा बना रहा हूँ अभी सिर्फ आर के लिए, भी ये पार्टिकल पहले यहाँ पे था अभी क्लास, ये पॉइंट ए था, आर था, ये एंगल थीटा था, अभी 5 मिनट बाद जाना, अभी नाम बता दे, नाम संजू ने साइन में उसने सागर ने रोहित, ओके ये आर, अभी इसका वैल्यू एक्स में भी था, मैं लिखा एक्स है ये था, इसका वैल्यू वाई में भी था, ये वाई था भाई, ये तो लिखा मैंने वहाँ पे, कर लोगे। अब क्वेश्चन है क्या मैं आर को रिजोल्व कर सकता हूँ कंपोनेंट की टर्म में, एंगल बना, अब तो मेरे पास एंगल भी है भाई, आर को तो कर ही सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पे कितना है एक्स की वैल्यू, आर कोस थीटा, यस सर नो, और वाई की वैल्यू आर साइन थीटा भी, डायग्राम बनाओ ये वाला भाई, क्योंकि सब कुछ उसमें नहीं कर सकते हम लोग, डायग्राम पहले से तुम लोगों ने बना दिया होगा जी, उसका हम ये भी बनाना, तो फिर उसी का पार्ट है डायग्राम का, सब कुछ वहाँ पे नहीं कर सकते, जल्दी करो।
टॉपिक पूरा करेंगे। इतना हो गया। देखो मेरे पास x और y की वैल्यू आ गई भी, आ गई ना, x की r cos थीटा और y की कितनी आई, r sin थीटा। लेकिन मेरे को चाहिए क्या, मेरे तो dx चाहिए भाई, dx और dy। कर दो इसकी वैल्यू कितनी आई, सॉरी r cos थीटा, यही है ना, r cos थीटा। क्या इसका डेरिवेटिव कर सकते हो, यस और नो, विद रिस्पेक्ट टू थीटा भाई, विद रिस्पेक्ट टू थीटा। कैसे लिखोगे, लिख लीजिए डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन, इसको मत लिखो, एक और लिख देते हैं, y कितना था, r sin थीटा, यही था ना, ये रहा y इज इक्वल टू r sin थीटा। लिखो डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा। करके देखो dx by d थीटा, यही है ना, आर तो कांस्टेंट है भाई, बच गया कौन है, कोस। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ कोस भी, माइनस साइन होता है भाई, याद है कि नहीं है, क्या होता है, माइनस आर साइन थीटा, यस और नो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसका कितना आएगा, डी वाई बाई डी थीटा। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा भाई, ये कोस थीटा होता है प्लस का भी, तो क्या आएगा, आर कोस थीटा, यस और नो, ठीक है। मेरे को तो dx सही है भाई, dx किसके बराबर होगा, माइनस आर साइन थीटा इंटू डी थीटा भाई, यहां पर ले आता हूं, सही लिखा है, और वहां पे भाई dy r cos थीटा इंटू डी थीटा, सही लिखा है कि नहीं लिखा, यहां पे पुट कर दूं, पुटिंग इन द अबो इक्वेशन भाई, पुटिंग इन द अबो इक्वेशन, रब कर दें इसको नीचे वाले को, तो डी डब्ल्यू किसके बराबर होगा, क्लास एफ एक्स के साथ क्या था, डी एक्स था भाई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी एक्स, माइनस आर साइन थीटा डी थीटा, सही लिखा है, बता दो, आगे क्या था, प्लस एफ वाई डी वाई, डी वाई कितना है, आर कोस थीटा डी थीटा, यस और नो, सही लिखी मैंने बातें, इक्वेशन क्या बनेगी, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, बताओ, ये तो माइनस का हो गया सारा, पहले इसको लिख दूं, प्लस की है, इट इज एफ वाई, आर कोस थीटा कहाँ है, एफ वाई आर कोस थीटा, यस और नो, माइनस एफ एक्स आर साइन थीटा, यस और नो, इंटू आर को मैंने कॉमन नहीं निकल रहा, आर को भी मैं आर को नहीं निकल रहा कॉमन, सिर्फ किसको निकल रहा हूँ, डी थीटा को, इंटू डी थीटा, सही लिखा है, यस और नो। अब सोच के देखिए अभी क्लास, जो मैंने लिखा है वो क्या लिखा हुआ है, वर्क लिखा हुआ मैंने अभी, वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यस और नो, वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। थीटा क्या है, इट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो सारा काम फोर्स कर रहा होगा, इसको मैं लिख देता हूँ, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ डी थीटा, ये सारा मैंने टाउ लिख दिया, टाउ क्यों लिखा, देखो टाउ किसको लिखा मैंने, एफ वाई, वट इज आर कोस थीटा, ढंग से देखो भाई, आर कोस थीटा क्या है, ये डी एक्स है भी, सॉरी एक्स है, ये एक्स है कि डी एक्स है, एक्स लिख रखा मैंने, आपको देख लो एक बार, इट इज एक्स, यही है ना, माइनस एफ एक्स आर थीटा क्या है, ये वाई है, इंटू यही लिखा है मैंने इस चीज को, इसको मैंने पूरा क्या लिख दिया, टोरक लिख दिया भाई, लिखा है, लिखा है इसको टोर्क, ये टोर्क की वैल्यू है एफ वाई, ये एक्स हो गया, एक्स है ये, और ये क्या है, वाई। अब सोच के देखिए एफ वाई क्या है, फोर्स अलोंग वाई एक्सिस, और गुणा किसकी कही है, एक्स की, तो क्या हो गया, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हुआ कि नहीं हुआ, फोर्स के एक्स, फोर्स किसके अकॉर्डिंग है, वाई के अकॉर्डिंग, और कौन सी यूज़ कर रहे हैं हम लोग, एक्स की यूज़ कर रहे हैं, एक्स क्या है इसके 90 डिग्री पे, तो फोर्स इंटू
परपेंडिकुलर डिस्टेंस टोर्क आ गया। ये क्या है? फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, डिस्टेंस कौन सी यूज कर रहे हैं? वाई वाली। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर एक्सिस, किसकी डेफिनेशन है? टोर्क की। ये टोर्क है भाई। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ टोर्क इन टर्म ऑफ एक्स एंड वाई भी, इट इज द कार्टिजन कोऑर्डिनेट्स भी। देखिए एक्सप्रेशन फॉर टोर्क इन पोलर कोऑर्डिनेट्स भी, पोलर में आंसर निकालने हमको। लास्ट टाइम टॉर्क का फॉर्मूला मेरे पास ये आया था भी, टाउ इज इक्वल टू एफ वाई एक्स माइनस एफ एक्स वाई। यस और नो? यहाँ से मैंने एंड किया टॉपिक को। इन कौन से टॉपिक को? कार्टिजन कोऑर्डिनेट के टॉपिक को मैंने यहाँ पे एंड किया था अभी, याद है? तो यहाँ से शुरुआत करते हैं टॉपिक की मैंने अभी। तो देखिए अभी क्लास डायग्राम वही था, थोड़ा चेंज करेंगे डायग्राम के अंदर। देखो क्या चेंज है। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था, एक पॉइंट था ऑफ मास एम लिया था ना, इस पॉइंट पे, पॉइंट ए था ना शायद, ये पॉइंट ए किस एंगल पे भाई? थीटा एंगल के ऊपर। इस पे मैंने एक फोर्स लगाया था भाई, याद है? तो ये घूम के कहाँ चला गया था? बी पे चला गया था। यस और नो? ये तो आर था भाई, इट इज गिव द पोजिशन वैक्टर भी आर था। फिर मैंने बोला था कि एफ एक्स की वैल्यू थी, एफ वाई की वैल्यू थी, कुछ ना कुछ ये एफ एक्स था, ये एफ वाई था, वैल्यू नहीं थी। अभी वैल्यू निकालनी है। एफ एक्स का वैल्यू क्या है? एफ वाई का वैल्यू क्या है? दूसरा एक्स का वैल्यू क्या है? वाई का वैल्यू का पुट कर देंगे वैल्यू, आंसर हो जाएगा मेरा। अब वैल्यू चाहिए मेरे को भी, कर लोगे? तो वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, इस एफ को मैं नीचे ले आता हूँ भाई, लाइन को जो एफ वाली लाइन नहीं है, नीचे ले आई। इट मेक एंगल, कुछ एंगल बनाएगा विद दिस एक्सिस भी। अब ये लाइन आगे जा सकती है। हम क्या करें, इस पॉइंट ओ से इस लाइन पे ड्रा करते हैं एक परपेंडिकुलर भी। ये कितना एंगल हो गया? 90 डिग्री। समझ में आया कि नहीं आया भाई? हमने क्या किया, एफ वाई लाइन को पीछे ले गई जो कुछ एंगल बनाएगा यहाँ पे, और ये लाइन इस पे क्या कर रही है? परपेंडिकुलर ड्रा कर रही है, हम लोगों ने 90 डिग्री एंगल बना रही है एंगल, ठीक है? तो नाम दे देते कुछ, बुक के अकॉर्डिंग कर लेंगे सारा टॉपिक। इसमें नाम दे देते हैं इसको, ये था ना बी आ गया, इट इज सी, ये पॉइंट कौन सा है? डी। कर लोगे भाई? डायग्राम समझ में आ रहा है? ये कुछ एंगल बन रहा है, इसको अल्फा मान लेते हैं, इट इज अल्फा एंगल्स। सब कुछ निकालना है अभी, अब तो वैल्यू की टर्म में चाहिए सब कुछ। ओके इतना हो गया। ये एंगल कुछ मान लो, ये भी तो एंगल है, इट इज फाइव, हो गया। तो अगर आप एफ एक्स को और एफ वाई की वैल्यू चेक करो पहले टॉपिक से, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ एक्स भी? एफ एक्स ये था, या था आपको पहले डायग्राम में भी, ये क्या था? एफ वाई। तो ये वैल्यू ये दिखाएगा ना यहाँ पे, ये पूरा एफ है भाई, यहाँ तक एफ है। रिजोल्व करो, इस तरफ कौन सा आएगा? एफ एक्स। इस तरफ कौन सा आएगा? एफ वाई। एंगल है तो इस तरफ कौन सा आएगा? एफ कोस एल्फा भाई, कौन सा आएगा? एफ कोस एल्फा। इस तरफ कौन सा आएगा? एफ साइन एल्फा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहाँ पे कौन सा आएगा? एफ कोस एल्फा भी। ये पूरा एफ है भाई क्लास लाइन, यस सर नो? यहाँ तक एफ है, हो गया। ये कितना एंगल बन रहा है यहाँ पे? अल्फा। इस तरफ कौन सा आएगा? एफ कोस अल्फा। इस तरफ कौन सा आएगा? एफ साइन अल्फा। हमने क्या किया, इसको रिजोल्व कर लिया अभी। तो एफ वाई की वैल्यू कितनी आएगी? एफ साइन अल्फा। समझ में आई बात है? तो इसकी वैल्यू तो आ गई, दो की वैल्यू तो आ गई, बच गया कौन? एक्स और वाई। लास्ट डायग्राम में, लास्ट टॉपिक डायग्राम में मैंने एक्स और वाई को भी रिजोल्व किया था अभी, याद है कि नहीं है? एक्स की वैल्यू आई थी आर कोस थीटा वे, चेक करो भाई, और वाई की वैल्यू आई थी आर साइन थीटा वे। ये आर है भाई, ये वाला कितना एंगल बना रहा है यहाँ पे? थीटा। इस तरफ कौन सा आएगा? आर कोस थीटा। इस तरफ कौन सा आएगा? आर साइन थीटा। यस और ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो उसके एक्स और वाई ये थी, एक्स कितना? आर कोस थीटा, वाई कितना? आर साइन थीटा। पुट कर दें इस इक्वेशन में, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, पुट इन द फर्स्ट इक्वेशन भी, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट क्या है भाई, चेक करो, टाउ इज इक्वल टू, टॉर्क की वैल्यू कितनी?
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ वाई भी एफ साइन थीटा यही है सॉरी एफ साइन अल्फा और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स आर कॉस थीटा सही है तुम भी नहीं आए हो भाई लग रहा है मेरे को इनका ये भी नए हैं इनको अपना समझ में आ रहा है ये फर्क है ये बासियाँ तुम ताजे हो भाई इतना ही फर्क है ज़्यादा फर्क नहीं है समझ में इनका भी नहीं आ रहा ये एक्टिंग कर रहे हैं मेरी तरह मैं एक्टिंग कर रहा हूँ कि तुम समझाने की तुम फोकस नहीं कर रहे हो समझने की है ना भाई आता कुछ नहीं किसी को भी इसको लिखिए एफ एक्स कितना है भाई एफ है कॉस अल्फा भी कॉस अल्फा ना और वाई कितना है आर साइन थीटा यहाँ तक समझ में आ रहा है सभी को आर साइन थीटा अब इससे क्या कॉमन आ रहा है दोनों से एफ आर कॉमन आ रहा है दोनों में एफ आर यस सर नो फर्क इज इक्वल टू यहाँ से मैं एफ आर बाहर निकाल लेता हूँ एफ आर क्या बचेगा भाई साइन अल्फा कॉस थीटा माइनस कोस अल्फा साइन थीटा ये कुछ फार्मूला सा लग रहा है मेरे को साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी यस भाई किसका फार्मूला ये मैं सर बायो तेरे पास ये बायो का देगा तू घट दे जी ये फार्मूला भाई साइन ए माइनस बी का भी साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी यस सर नो मैं थोड़ा पढ़ लिया होगा इस फार्मूले को जो बायो वाले में लिख दीजिए भाई फार्मूला एक हमारा मैथ में साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी तो इसमें भी ऐसा कुछ बन रहा है देखो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी इट इज द फार्मूला ऑफ कितना भाई एफ आर किसका है साइन एल्फा माइनस थीटा सही है कि नहीं साइन अल्फा माइनस थीटा समझ में आया यस आर नो अभी देखिए अल्फा माइनस थीटा नहीं चाहिए मेरे को भाई कुछ और लेके चलते हैं आंसर से एक ट्रायंगल है मेरे पास देखो कौन सी ट्रायंगल भाई ए ओ डी दिख रही है ट्रायंगल या छोड़ो इसको इन ट्रायंगल ए ओ सी ये दिख रही है इस ट्रायंगल के अंदर आउटर एंगल कौन सा भाई इन ट्रायंगल ए ओ सी के अंदर आउटर एंगल भाई अल्फा इज आउटर एंगल आपको याद दसवीं क्लास में पढ़ा आप लोगों ने कि आउटर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द इनर एंगल्स भी सम ऑफ द इनर एंगल तो लिख लीजिएगा इन द ट्रायंगल कौन सी यूज कर रहे हैं ओ ए सी इन द ट्रायंगल ओ ए सी ये रब कर दूं भाई सी इसमें अल्फा क्या है आउटर एंगल अभी आउटर एंगल हमेशा क्या होता है इसके अपोजिट इनर एंगल का सम होता है तो कौन से इसके अपोजिट इनर एंगल थीटा प्लस फाइव यही ना थीटा प्लस फाइव मेरे को क्या चाहिए अल्फा माइनस थीटा चाहिए मेरे को निकाल लो यहाँ पे ले आते हैं अल्फा माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया फाइव के बराबर हो गया देखो ये भी एंगल मैंने मान रखा है फाइव वैल्यू आएगी इसकी मेरे सामने कितना ही अल्फा माइनस थीटा पुटिंग द वैल्यूज भी तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होगा एफ एफ था ये आर साइन फाइव याद है मैंने इसलिए बोला था जो टॉर्क करवा था मैंने आपको लिखा था आर एफ कोस थीटा सॉरी साइन थीटा मैंने बोला कि प्रूव करेंगे इसको हो गया प्रूव भाई एंगल ही तो है यस आर नो तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखूं टॉर्क की वैल्यू आ गई क्लास वैल्यू की टर्म में आ गया टॉर्क नॉट एक्स वाई की टर्म में टॉपिक पूरा हो चुका है यहाँ पे इसको इन टर्म ऑफ वेक्टर लिखें तो कैसे लिखें इक्वल टू आर क्रॉस एफ लिख सकता हूं तो यही करना हमको क्रॉस करवाना अभी टॉर्क क्या होता है अभी लिखवा था मैं लिखा टॉर्क इज इक्वल लिख सकता हूं आर क्रॉस एफ भी समोल लिखो कि कैपिटल लिखो एक मिनट में इतनी थी इन टर्म ऑफ वेक्टर भी कैसे लिखते आर को एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के याद है वैक्टर कैसे लिखा जाता है किसी वैक्टर को एफ को भाई इंटर में वेक्टर लिखूं तो एफ एक्स आई एफ वाई जे एफ जेड के यस आर नो और टॉर्क को लिखूं तो ये भी लिखेंगे इसको टाउ एक्स आई
टाओ वाई जे प्लस टाओ जेड के। ठीक है, इससे अच्छा तरीका बताता हूँ आपको मैं, आप करो इस तरीके से सॉल्व इस चीज को भी। पहले लिखो आई, फिर लिखो जे, फिर लिखो के। ठीक है, फिर जो भी इसमें खासियत ये होती है क्रॉस में भी, क्योंकि हर वेक्टर की डायरेक्शंस होती है, अभी अपन उल्टा पुल्टा किया तो डायरेक्शन मिल जाएंगे सर की। पहले आर आया है तो आर को लिखो भी, आर की वैल्यू क्या है, एक्स आई वाई जे जेड के। तो आई तो मैंने लिख दिया, आई जे का तो लिख रखे मैंने, आई की वैल्यू कितनी है एक्स वाई जेड, सही है। फिर लिखो एफ को भाई, एफ की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, एफ एक्स एफ वाई एफ जेड, सही है। ऐसे आ जाएगा लिखना, किसको दिखाएगा ये, इट रिप्रेजेंट टाउ आर क्रॉस एफ, कर लोगे भाई, इसको बोलते हैं रोज भी। ये कॉलम्स होते हैं, ये वाले क्या होते हैं रोज। तो आप क्या करो, फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, फर्स्ट रो छोड़ दो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दीजिए, कर लोगे तो क्या बचा यहाँ पे, आई इस कोने में, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्या बचा आई, इसकी गुणा करो इसके साथ भी, माइनस इसकी गुणा करो इसके साथ, राइट छोड़ ही दिया, फर्स्ट आई आ गया ना यहाँ पे, आई आ गया, अरे रुक जा एक मिनट है, फिर इसकी गुणा करो इसके साथ, इसकी गुणा करो इसके साथ, कितना आएगा वाई एफ जेड माइनस जेड एफ वाई, समझ में आ रहा है भाई। फिर क्या करो, फर्स्ट रो छोड़ो, सेकंड कॉलम छोड़ दीजिए, कौन सा है, सही है, क्या बचा यहां पे जे, ध्यान रखिए जे को हमेशा माइनस लिखना होता है, तो माइनस जे कर लोगे, माइनस जे, इसकी गुणा करो इसके साथ भाई, इसकी गुणा करो इसके साथ, कितना आएगा एक्स एफ जेड माइनस जेड एफ एक्स, इसकी गुणा माइनस इसकी गुणा भी, समझ में आई बात भाई। अब क्या करें, फर्स्ट रो छोड़ें और थर्ड कॉलम छोड़ दें, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, क्या बचा यहाँ पे के प्लस के, सिर्फ माइनस क्या लिखना आपको जे के साथ, याद रखिए इस बात को भी, कर लोगे भी तो क्या होगा, इसकी गुणा यहाँ पे एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स, आंसर कंप्लीट होगी। अब पूरी गुणा भाग करोगे आंसर आएगा उससे भी, करके देख लेना घर पर जाके, ठीक है, ये बेस्ट तरीका भी सॉल्व करने का, कर पाओगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, कौन सा, ठीक है, दिस इज द टॉर्क में, अभी टॉर्क पूरा नहीं हुआ है, मेरे को नाम क्या है टॉपिक का, रेक्टेंगुलर में टॉर्क पूरा करना है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में टॉर्क को दिखाना है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाउ, ये टाउ का वैल्यू है ना, टाउ वेक्टर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाउ, टाउ कितना था, टाउ एक्स आई प्लस टाउ वाई जे प्लस टाउ जेड के भी, यही था टाउ जेड के इज इक्वल टू, क्या आंसर आया अभी, आई इंटू वाई एफ जेड माइनस एफ वाई जेड, यह सर ना सही है, माइनस अंदर ले जाऊं प्लस आएगा जे, कितना जेड एफ एक्स माइनस एक्स एफ जेड भी, सही लिखा है, यस आर नो, ये प्लस का हो गया और ये माइनस का हो गया, ठीक है, प्लस के कितना है एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स, यही है क्या, होते हैं जो कंपोनेंट एक दूसरे क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो क्या बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, कौन से होते हैं एक्स वाले वाई वाले और जेड वाले एक दूसरे क्या हैं सारे परपेंडिकुलर, किसमें
जे माइनस अंदर ले गया भाई, मान तो लिया तो माइनस अंदर ले गया इसके जे माइनस में, ठीक है। अब तो यूज कर लिया इसके माइनस को मैंने, कर लोगे। अब क्या करो, लिखिए, इतना हो गया भाई। हो गया, देखिए, कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड आई जे के, देखो कंपेयरिंग बोथ साइड आई जे के, दोनों तरफ आई जे के को कंपेयर कर लो भाई। कंपेयरिंग बोथ साइड आई जे के, इस तरफ देखो भाई, आई किसके पास है, इसके पास है टाउ एक्स के पास, और किसी पास आई नहीं है भाई, इज इक्वल टू आई किसके पास है, सिर्फ इसके पास है अभी, तो कितना आया वाई एफ जेड माइनस एफ वाई जेड भी, सही है। जे किसके पास है, टाउ जे टाउ वाई, वहाँ पे जेड एफ एक्स माइनस एक्स एफ जेड भी, टाउ जेड के किसके पास है, टाउ जेड के पास, वहाँ पे भाई एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स, दीज आर द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ टॉर्क भी, कर लोगे। एक्स में कितना वैल्यू टॉर्क का, वाई में कितना वैल्यू है टॉर्क का, जेड में कितना वैल्यू है टॉर्क का भी, कर पाओगे। द रेट ऑफ डूइंग वर्क लिखिए भाई, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, कितना काम किया गया, ये क्या आपकी पावर है अभी। इसी टॉपिक के अंदर आपने एक टॉपिक पढ़ा था, आपने टॉपिक स्टार्टिंग किसे की थी, डब्ल्यू से की थी, याद होता आपको भी, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टॉर्क का था इनटू डी थीटा, चेक करो एक बार, डी डब्ल्यू क्या आया था, टाओ डी थीटा भी, देख लो ये किसी को माना था मैंने टाओ, ये टाओ है भाई, पहले टॉपिक का लास्ट पॉइंट यही है, चेक करो, यही है क्या, देखने में दिक्कत होती है तुमको, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का लास्ट पॉइंट यही है, टाउ डी थीटा, लिखा था टाउ इज इक्वल टू एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स, यस और नो, तो ये आंसर आता वहां पे भी, आया था कि नहीं आया था, तो पावर क्या होगा, पावर इज इक्वल टू लिखता हूं डी डब्ल्यू बाई डी टी, रेट ऑफ डूइंग वर्क को क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं भाई, यस और नो, तो क्या लिखोगे, पावर P इज इक्वल टू टाओ डी थीटा बाई डी टी, टाओ डी थीटा बाई डी टी, वट इज डी थीटा बाई डी टी, इट इज एंगुलर वेलोसिटी भी, याद है कि नहीं है, इट इज एंगुलर वेलोसिटी, तो पावर का फॉर्मूला क्या बना क्लास, टाओ इंटू ओमेगा, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पावर।